अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से आ रही है, जहां अधिवक्ता दिवस पर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व समाजसेवी सुनील श्रीवास्तव ने एक दर्जन से ज्यादा अधिवक्ता व पत्रकारों को अंग वस्त्र डायरी व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। अधिवक्ता दिवस पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती भी मनाई गई। इस दौरान भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए उनके चरित्र तथा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश भी डाला गया। एक समाज सेवी होने के नाते हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव ने गरीब और जरूरतमंद लोगों में कंबल का वितरण भी किया। आपको बताते चलें कि अब तक 28,000 लोगों को अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव के माध्यम से जरूरत और गरीब लोगों को कंबल बांटे जा चुके हैं। आज अधिवक्ता दिवस पर पत्रकारों को सम्मानित करते हुए सुनील श्रीवास्तव ने कहा, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है। मीडिया का काम सच्ची खबरों का प्रकाशन करना है, जबकि वहीं दूसरी तरफ एक अधिवक्ता गरीब मजदूर बेसहारा को न्याय दिलाता है। उन्होंने कहा, यदि देखा जाए तो एक अधिवक्ता व पत्रकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, क्षेत्र की जनता भुखमरी के कगार पर पहुंची है। आए दिन छुट्टा आवारा साड़ों से लोगों की मौतें हो रही हैं। सड़कों पर हाल बद से बदतर हो रहे हैं। जगह जगह गड्ढे हो जाने के कारण आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। उन्होंने कहा, जहां एक तरफ सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है, तो वहीं आज भी गांव के क्षेत्रों में सड़क की हालत बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार गरीबों को फ्री में राशन और नमक देकर उनके सम्मान और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अधिवक्ता दिवस के इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का आभार भी व्यक्त किया। डबल डबल हो गया। और मैं ऐसा प्रेरणा लेके राजेंद्र प्रसाद जी पत्रकार और अधिवक्ता के संबंध के बारे में आपको बताऊं, तो जब पहले बड़े बड़े वकील जितने भी हुए थे वो पत्रकार जरूर, अगर अधिवक्ता है तो जो अधिवक्ता में जो कला होती है वो निडर और निस्वार्थ निभाव से काम करता है, क्योंकि अधिवक्ता समाज के गरीब की लड़ाई लड़ता है, समाज के गरीब तबके की लड़ाई लड़ता है, न्याय दिलाने का काम करता है। और वहीं से जो हमारा पत्रकार बंधु चूंकि अधिवक्ता से भी जुड़ा होता है, तमाम पत्रकार साथी हमारे अधिवक्ता भी हैं, और इस तरह से जो पत्रकार अगर हमारे बीच में आते हैं तो वो जिस तरह से वकालत में वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं, तो पत्रकार जगत में भी निष्पक्षता से काम करते हैं। रही बात गोदू मीडिया की, तो आप सभी जानते हैं गोदू मीडिया सच्चाई दिखाने में अगर आप कोई समाज के हित का कार्य कर रहे हैं तो वो नहीं दिखाएगी। सत्ता पक्ष का अगर काम होता है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर झूठी खबरें उनको प्रचारित करती है और समाज में को दिशा भ्रमित करने का काम गोदू मीडिया करती है। मैं अपने जो समाज से चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि मीडिया जगत, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और चौथा स्तंभ मीडिया, इनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और न्यायपालिका में भी मैं कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि न्यायपालिका को भी खोल के बार और बेंच को एक साथ आके काम करना चाहिए, जिससे गरीबों की न्याय की लड़ाई लड़ी जा सके और सरकार को सही संदेश जा सके। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और अपनी आवाज जो हमारी आवाज है, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहता हूं कि आपको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, तभी ये देश नंबर वन देश बनेगा, वरना देश नंबर वन देश बनने से बहुत पीछे चला जाएगा और फिर हम गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे।